हेलो स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्टली आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि आने वाली कुछ 2 या 3 क्लासेस में हम लोग स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो आइडिया ये है कि हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व द एरे रिलेटेड और स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ एरे भी मिक्स होगा, स्ट्रक्चर भी मिक्स होगा और कहीं ना कहीं आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में पॉइंटर भी मिक्स होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, जहां हम लोग एक प्रॉब्लम आपके सामने गिवन है जिसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को डेफिनेटली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप लोग ध्यान से देखें तो हमेशा कैसे अप्रोच करना है। पहले तो मैंने जो सबसे पहली प्रॉब्लम ले रखी है वो सबसे बेसिक सी प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को आप लोग देखोगे तो इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है, बट स्टिल मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ। देखिए भाई, खास बात है कि एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्ट्रक्चर टाइप का एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो रखा है और इस स्ट्रक्चर को डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। अगर उसके मेंबर्स को देखा जाए तो पहला मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है और थर्ड मेंबर अगर आप लोग कहोगे तो थर्ड मेंबर एक तरीके से ए है आपका। थर्ड मेंबर क्या है? ए है और ए किस टाइप का है? स्ट्रक्ट एड्रेस टाइप का है। देखो कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा होता ए और कहीं कहीं इसकी जगह ऐसा भी लिखा हो सकता था। कैसा लिख सकते थे? ऐसा भी लिखा हो सकता है। यहाँ सिर्फ सेमी कॉलन लगा होता और इसकी अगली लाइन में लिखा होता कुछ ऐसे कि स्ट्रक्ट एड्रेस और आपका ए। तो इसका मतलब होता ए जो है वो किस टाइप का है? स्ट्रक्ट एड्रेस टाइप का है और स्ट्रक्ट एड्रेस अपने अंदर कितनी फील्ड स्टोर कर रहा है? 1 और 2। तो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, एक इस टाइप का स्ट्रक्ट एड्रेस टाइप का। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है, स्टैटिक तो आप लोग आपको कभी कभी एग्जाम में बेवकूफ़ बनाने के लिए भी लगा देते हैं, कभी कभी यूज़ होता भी, कभी कभी यूज़ होता भी नहीं है। जहाँ इस केस में भी स्टैटिक का कोई जनरली यूज़ नहीं है, बट ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस प्रॉब्लम में स्टैटिक लगा दिया गया। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से। तो सबसे पहले एक बारी फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपका डिफाइन है और स्ट्रक्चर के नीचे ही ई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रखा है। और वैसे तो जनरली अगर हम ई को डिफाइन करना चाहते या डिक्लेयर करना चाहते तो पता कैसे करते? जनरली हम लोग जो इजी हम लोगों के लिए रहता है वो हम लोग ऐसे करते, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और ई। तो ई किस टाइप का वेरिएबल होता है? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल होता है। जो ई के लिए मेमोरी डिफाइन होती है तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के कितने मेंबर्स हैं? 1 मेंबर, 2 मेंबर और थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर अपने आप में ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। टोटल 3 मेंबर्स एक तरीके से इसके, बट यहाँ भी स्ट्रक्ट को इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर रखा, इस तरीके से डिक्लेयर कर रखा ई। तो खास बात ये है, ध्यान से देखेंगे, ई आपका मेन वेरिएबल, मेन स्ट्रक्चर वेरिएबल, जिसका टाइप क्या है? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का। अगर ई के लिए मैं देखो, खास बात ये डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर साथ में कर रखा है। मतलब जो भी ई नाम के वेरिएबल हैं उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को वैल्यूज यहाँ पर असाइन कर दी गई हैं। तो अगर आप ई के लिए मेमोरी बनाओगे तो ई के लिए जब मेमोरी बनेगी तो खास बात यह है ई के आप देखो कितने मेंबर्स में आ रहे हैं। एक तो है पहला मेंबर, तो पहले मेंबर में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मेंबर में एक आपका 20 साइज का एरे डिफाइन किया गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंपल सा छोटा सा मतलब 20 साइज का एक एरे है यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होगा और यहाँ पर उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, मतलब वैल्यूज के ब्लॉक्स होंगे। और अगर जीरो से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, बिकॉज एरे इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो ये लास्ट कहाँ तक जाएगी? 90 तक। तो पहला मेंबर तो ये होगा। दूसरा, इस मेंबर का नाम क्या है? नहीं है ना। अगर दूसरे मेंबर की बात करोगे तो एज है दूसरा मेंबर, तो दूसरा मेंबर आप लोग यहाँ पर एज डिक्लेयर कर लोगे, है ना, या एज मेंशन कर लोगे, तो एज हो गया दूसरा मेंबर। तो ये तो डायरेक्टली ई से ये दो मेंबर डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। बट कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे कि ई के अंदर जो थर्ड मेंबर क्या है, वो स्ट्रक्चर है। तो थर्ड मेंबर के भी स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल वो ए है। तो मतलब अब हमारा जो रिलेशन होगा इस स्ट्रक्चर के दोनों मेंबर से, ये मतलब ऐसा समझ लो कि ई के अंदर एक ए है और ए के 2 मेंबर है। तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ई के अंदर ए है और ए के अंदर एक तरीके से 2 वेरिएबल है। इतने पोर्शन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ई उससे रिलेटेड ए और ए के कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स हैं। तो पहला मेंबर क्या है?
पहला मेंबर है आपका सिटी, सिटी कितने साइज का एरे रहेगा उसमें, वही 0 और 1, 2, 3, वही आपका 19 तक जाने वाला है। और जो लास्ट मेंबर है आपका, लास्ट मेंबर क्या है, लास्ट मेंबर है आपका पिन। ये हो गया आपका पिन नाम का मेंबर, ये हो गया सिटी नाम का मेंबर, ये हो गया आपका एज नाम का मेंबर, और ये हो गया आपका नेम नाम का। खास बात। अब दूसरी चीज ये है कि अगर इस पूरी, अच्छा एक बात मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो ई है इसके लिए कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी, ई के लिए कितने बाइट की मेमोरी होगी। तो ई के सही मामले ई किस टाइप का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का साइज देखो। ये अगर एक कैरेक्टर एक बाइट का है तो ये 20 बाइट हो गया। अगर एज इंटीजर को अगर आप लोग 2 बाइट कंसीडर करके चल रहे हो, कंपाइलर टू कंपाइलर 4 बाइट का भी होता है, मैं 2 बाइट कंसीडर करके चल रहा हूँ, ये 2 बाइट का होगा। और अब देखेंगे स्ट्रक्ट एड्रेस में ए ए का साइज, अब ए का साइज देखो, ए के 2 मेंबर है तो ये आपका 20 बाइट हो गया। और लॉन्ग इंट में कितने का हो गया, इंट तो हो गया 2 बाइट का, लॉन्ग लगा दोगे तो ये 4 बाइट का, टोटल 20, 20, 40, 44, 46 बाइट की मेमोरी यहाँ पर ये टोटल अलोकेट होगी। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान दें, ओके। अब खास बात ये है, अगर मान लीजिए इस पूरी मेमोरी का मान लीजिए बेस एड्रेस या एड्रेस, मैंने स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 1000 माना हुआ, ये बस फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन होगा, ई में इनिशियलाइजेशन कर रखा है तो ई का जो पहला मेंबर है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, अभिजीत स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा, अभिजीत स्टोर हो जाएगा। अगर अभिजीत स्टोर कराओगे तो हमेशा ध्यान देंगे अभिजीत क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर एरे की जरूरत होती है। तो सीधा स्टिल ए बी एच आई जे डबल ई टी फॉलोड बाई नल कैरेक्टर, इस तरीके से एरे स्ट्रिंग स्टोर होती है। दूसरा मेंबर क्या है, ई का एज है, एज इट इज 30 स्टोर हो जाएगा। तीसरा मेंबर क्या है, देखो 2 मेंबर को तो इजीली मेमोरी एलोकेट होगी, अब तीसरे में नागपुर स्टोर करना है, चौथे में पिन कोड स्टोर करना है, तो थर्ड जो मेंबर है, थर्ड मेंबर ए है बट ए के अपने आप में ही 2 मेंबर है, फर्स्ट और 2। तो बाय डिफॉल्ट जो नागपुर होगा वो इसके पहले मेंबर में स्टोर होगा, मतलब यहां पर जाके स्टोर होगा। नागपुर जो है आपका स्मॉल में है भाई, आप लोग ध्यान से ये चीज समझ जाना, स्मॉल में एन ए नाग और ठीक है, और फॉलोड बाय नल स्मॉल में, ठीक है मैंने कैप्स में लिख दिया बट स्मॉल में कंसीडर कीजिएगा। उसके लॉन्ग इंड पिन ये आपका 4th मेंबर होगा और यहाँ पर आपका लास्ट में स्टोर हो जाएगा 4400। इजी सी प्रॉब्लम थी। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग आउटपुट प्रोड्यूस करने जाओगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट करा रहा है ई डॉट नेम, क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा ई डॉट नेम, तो ई और डॉट नेम मतलब पहला मेंबर प्रिंट करा रहा है, तो ए ई डॉट नेम रूल के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनो, ई डॉट नेम में क्या पड़ा हुआ है, अभिजीत पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पे आपका क्या प्रिंट होगा, हाँ जी क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, अभिजीत स्मॉल में, तो स्मॉल में ही प्रिंट होगा। और लास्ट हम लोग प्रिंट करा रहे, ध्यान से देखो जब आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है तो डबल डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं आप स्ट्रक्चर में, ई डॉट ए मतलब ई से ए तक पहुंचने में, फिर ए के अपने मेंबर में। देखो जैसे मान लीजिए ये आउटर एक स्ट्रक्चर है ई, ये इसको डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं ई डॉट नेम, ई डॉट एज, बट अगर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होगा तो डबल लेयरिंग हो जाएगी, ई डॉट ए डॉट सिटी, ई डॉट ए डॉट पिन। ई डॉट ए डॉट सिटी में क्या है, नागपुर स्टोर है, तो एज इट इज क्या स्टोर हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा। So this is the case how you will deal with structure kind of problem. ये पहली problem थी। अब हम लोग दूसरी problem के through तरफ move करते हैं। अभी अगर आप लोग second problem देखोगे तो ये दूसरी problem ले रखी है, ये भी structure से related, यहाँ पर nested structure नहीं, simple सा structure ले रखा है और यहाँ पर define कर रखा है। और अगर आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे इस problem को पढ़ना, एक S1 नाम का variable है जो कि structure variable है, उसका type क्या है, struct A type का है। मतलब जैसे यार देखो, मैंने हमेशा जिन बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर के, देखो यार इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर के बेसिक आपको आने चाहिए। जैसे मान लीजिए नॉर्मल वेरिएबल का आप डिक्लेरेशन कैसे करते हो, इंट ए, ए किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। मैंने लिखा फ्लोट, फ्लोट बी, बी किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, मतलब बी फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। अगर ऐसे ही एक वेरिएबल एस वन, एस वन किस टाइप का, स्ट्रक्ट ए टाइप का है, तो स्ट्रक्ट ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि हमने डिफाइन किया,
जो कि हमने बनाया, तो उसकी जो हमने बनाने के लिए इसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी या स्ट्रक्ट ए की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। स्ट्रक्ट ए में अपने आप में ही दो मेंबर है, मतलब देखो इंट इंट स्टोर करता, फ्लोट फ्लोट स्टोर करता है। स्ट्रक्ट ए जो है वो अपने अंदर कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। तो इसलिए आप लोग प्लीज बेसिक्स पढ़ के आए, मेरी एक और प्लेलिस्ट है एमसीक्यू से रिलेटेड, सॉरी एमसीक्यू के अलावा थ्योरी से रिलेटेड, वहाँ आप लोग स्ट्रक्चर का कौन सा बेसिक पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, एस वन नाम का वेरिएबल है, ठीक है, ये रहा एस वन, उसके कितने मेंबर है, दो मेंबर है, ओके, तो ईजी सा फंडा है, दो मेंबर है, इसके कितने मेंबर हैं, दो मेंबर हैं। पहले मेंबर को क्या रिफ्लेक्ट कर रखा है, सी एच नाम से, और दूसरे मेंबर को रिफ्लेक्ट कर रखा है एस टी आर नाम से। अब खास बात ये एस टी आर के आगे क्या लगा हुआ है, एस्ट्रिक, इसका मतलब ये कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल अपने अंदर क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। खास बात अब देखो, अगर तुम लोग देखो इसका टाइप क्या है, कैरेक्टर, इसका मतलब ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा, आई अगेन रिपीट, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस रिटर्न करेगा। और यहाँ पहली फील्ड है सी एच, सी एच नाम का एक एरे है, और उसमें कितने एलिमेंट्स है, सेवन एलिमेंट्स है। तो सेवन एलिमेंट्स के लिए ऑब्वियस ही बात है एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 to 6 यहाँ पर होने वाली है। अब देखो यहाँ पर भी इनिशलाइज कर रखा है, तो नागपुर कहाँ स्टोर होगा, बहुत इजी है भाई, नागपुर कहाँ स्टोर होगा आपका, यहाँ स्टोर होने वाला है, एन स्मॉल में ए नागपुर और फॉलोड बाई नल करेक्टर, हमेशा ध्यान रखना भाई, जस्ट वेट, नागपुर पुर ओके और फॉलोड बाई नल करेक्टर। और हमेशा ध्यान रखना दूसरा केस यहाँ पर क्या, अगर आप लोग देखोगे दूसरा क्या है, एस टी आर नाम की फील्ड है, और एस टी आर नाम की फील्ड जो है वो एक एड्रेस स्टोर कर रही है, ना कि वैल्यू स्टोर कर रही है। और हम यहाँ क्या स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, बॉम्बे नाम की स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए। तो यही चीज आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल है तो फॉर श्योर ये एड्रेस स्टोर करेगा, बट किसी बॉम्बे नाम की स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करेगा। तो आप ऐसे समझ लो कि बॉम्बे नाम की ऑलरेडी कहीं मेमोरी बनी होगी, आप लोग इस तरीके से अलग से ड्रॉ कर सकते हो। बॉम्बे नाम का क्या हुआ है, कैरेक्टर एरे होगा, और जिसमें बॉम्ब बे नाम की एक स्ट्रिंग स्टोर होगी। मान लीजिए अगर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका बेस एड्रेस अगर मानोगे 4000 है, ये 1001 होगा, ये 1002 होगा, ये 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये 5 होगा, और ये आपका 6 होगा, मतलब 2006। क्यों, अच्छा 2006 नहीं 1006, क्योंकि हम लोगों ने बेस एड्रेस कितना माना है 1, और हर एक कैरेक्टर का साइज क्या होता है 1 byte होता है। तो ध्यान से सुनना, एस टी आर में अगर आप लोग रूल के अकॉर्डिंग नागपुर जो है पहले फील्ड में स्टोर करा दिया और दूसरे में बॉम्बे स्टोर करा, तो साफ सी बात है यहाँ पर बॉम्बे जहां भी मेमोरी कंप्यूटर में बनी होगी उसका बेस एड्रेस स्टोर होगा, मतलब यहाँ पर 1000 स्टोर होगा, ना कि स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर नॉर्मल हमने कैरेक्टर एरे ले रखा होता तब तो एज इट इज आपकी स्ट्रिंग स्टोर हो जाती है, बट यहाँ पर क्या स्टोर होगा, 1000 स्टोर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। इतने केस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक सा, देखो यार एक बात बता रहा हूँ, किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने का फंडा एक ही होता है कि आप लोग पहले उसकी मेमोरी ड्रॉ कर लो, और मेमोरी ड्रॉ करने के बाद जैसे जैसे चीजें दी हो, जैसे अब दो स्टेटमेंट है, प्रिंटअप प्रिंटअप, साफ सी बात है दो वैल्यूज प्रिंट करानी। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखो, एस वन डॉट सी एच ऑफ जीरो, तो क्या लगता है, एस वन ये रहा और इसकी जो सी एच फील्ड है वो ये रही, और सी एच का जो जीरो इंडेक्सिंग है वो ये रही एन। तो रूल के अकॉर्डिंग पहला क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर एन प्रिंट होगा, मतलब इसका पहला आउटपुट हो गया एन, करेक्ट। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रिक, ध्यान से देखना, एस्ट्रिक एस वन डॉट एस टी आर, बहुत ध्यान से। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये जो ऑपरेटर होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसे बोलते हैं वैल्यू एट, और ये ऑपरेटर होता है पॉइंटर के केस में एड्रेस ऑफ, है ना। तो एक बात बताओ, एस वन डॉट एस टी आर, एस वन डॉट एस टी आर, एस वन डॉट एस टी आर में क्या पड़ा हुआ है, 1000, तो यहां से लेकर यहां तक का केस हो गया 1000, और इसके आगे लगा एस्ट्रिक, इसका मतलब वैल्यू एट 1000, तो वैल्यू एट 1000 क्या है, बी, तो क्या प्रिंट होगा, बी। तो पहले प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होने वाला है,
एन और बी। देखो यार कुछ चीजें इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय आपकी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बाय डिफॉल्ट कवर अप हो जाएंगे, और अगर आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ के आए तो इट्स जस्ट अ रिवीजन फॉर यू। बट ये ध्यान रखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके अगला स्टेटमेंट देखो क्या प्रिंट कराना है, s1.ch और s1.str। अब देखो ये केस आप लोगों के लिए गजब हो गया। देखो रूल के अकॉर्डिंग ch क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ch क्या है, एरे नेम, और एरे नेम रिप्रेजेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता रखा है, एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस, am I right? एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। तो s1.ch, तो s1.ch, ch क्या है, s1.ch क्या है भाई, बेस एड्रेस। तो रूल के अकॉर्डिंग s1.ch जो केस होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनना भाई। s1.ch देखो रूल के अकॉर्डिंग वैसे दो तरीके से आप इसे सीख सकते हो कि s1.ch मतलब इस पर्टिकुलर जो मेमोरी पूरी जो यहां पर स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी बनी है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 3000, इसका एड्रेस पूरी मेमोरी का जो बेस एड्रेस है वो है 3000, तो वैसे तो आप लोग इजी सा प्रिंट करा सकते हो s1.ch, s1.ch में क्या पड़ा हुआ है, नागपुर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नागपुर प्रिंट कर देगा। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, बट अगर आप लोग देखो कि s1.str में क्या पड़ा हुआ है 1000, एक स्ट्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा और बहुत मेन सा पॉइंट बता रहा हूं, कभी भी किसी स्ट्रिंग का अगर आपको बेस एड्रेस मिल जाए, उस बेस एड्रेस को अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो उस बेस एड्रेस के आगे जो भी है फॉलोड बाय वो एज इट इज प्रिंट होता जाएगा। मतलब अगर आप 1000 को प्रिंट करा रहे हो तो 1000 मतलब 1000 का बेस एड्रेस तो बी होगा, लेकिन पूरा अगर आप 1000 को प्रिंट करा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का केस बता रहा हूँ, स्ट्रिंग का किसी भी स्ट्रिंग मतलब किसी भी कैरेक्टर एरे का अगर आप बेस एड्रेस पा जाते हो, अगर आपको बेस एड्रेस मिल जाता है तो फॉलोड बाय पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। ये केस आप लोग हमेशा याद रखना। तो s1.str कितना हो गया, s1.str 1000, 1000 पे क्या पड़ा हुआ, बॉम्बे, as it is बॉम्बे प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो केस हो गया, पहले में नागपुर प्रिंट होगा, दूसरे में बॉम्बे प्रिंट होगा। मैं इस केस में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि s1.ch रूल के अकॉर्डिंग ch एक एरे है, तो s1.ch जब मिलेगा ना तो इसका जो एरे का बेस एड्रेस होगा, मान लो बेस एड्रेस 4000 हो गया, 4000, तो s1.ch जनरली 4000 होगा, 4000 को फॉलोड बाय पूरी स्ट्रिंग होगी नागपुर, वो प्रिंट हो जाएगी। तो अगर डायरेक्ट यहाँ स्ट्रिंग पड़ी हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एड्रेस प्रिंट हुआ तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसे आपको प्रिंट करना है। तो ये तो हो गया दूसरा केस, एक प्रॉब्लम हम लोग और इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, लेट्स सी। ओके दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम, जो हम लोगों ने प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स करी उससे थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और यहाँ आप लोगों को बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ओके लेट्स सी, अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे तो कहीं ना कहीं दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, साफ दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर आपका ये है, हाँ जी देखिए एक स्ट्रक्चर ये है आपका, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर को डेफिनेशन लिखा गया है। मेन यहाँ पर आपका कार्यक्रम शुरू होता है कि S2 नाम का एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, स्ट्रक्ट बी टाइप का, और स्ट्रक्ट बी के कितने मेंबर है, दो मेंबर है, एक C और एक SS1। देखो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इसकी मेमोरी डिफाइन करोगे या ड्रॉ करोगे तो ये रहा आपका S2 एक वेरिएबल, इसके दो मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, दो मेंबर, ठीक है। अब दो मेंबर को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लीजिए इतनी मेमोरी मैंने ड्रॉ की। ओके अब खास बात ये, दो मेंबर में जो पहला मेंबर है उसका नाम है सी और दूसरा जो मेंबर है उसका नाम है SS1। सी तो साफ है कि कैरेक्टर टाइप का एड्रेस स्टोर करने वाला है और SS1 जो है वो अपने आप में ही एक स्ट्रक्चर है, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट ए टाइप का, और स्ट्रक्ट ए अपने आप में कितने वैल्यूज स्टोर कर रहा है, ये भी नेस्टेड स्ट्रक्चर का केस है जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो खास बात ये है कि S2 से जो उसका पहला मेंबर है सी वो तो डायरेक्टली रिलेटेड हो, डायरेक्टली रिलेशन होने वाला है, बट अगर उसका दूसरा केस देखोगे S2 का जो दूसरा मेंबर है दैट इज फर्स्ट रिलेटेड टू SS1 और SS1 के जो हैं अपने आप में ही दो मेंबर होंगे, एक पहला मेंबर और दूसरा मेंबर, और पहले मेंबर का नाम है आपका CH और दूसरे मेंबर का नाम है STR और यहाँ पर पहले नंबर, तो टोटल एक तरीके से एक मेंबर और ये अपने आप में ही कितने मेंबर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दो मेंबर, एक मेंबर और दो मेंबर, करेक्ट। तो यहाँ पर टोटल तीन मेंबर होने वाले हैं S2 के, तो वही तीनों को हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, इनिशियलाइज भी कर रखा है।
ओके कैरेक्टर। अब खास बात, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला जो मेंबर है वो मेंबर क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल। सी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। और सी पॉइंटर वेरिएबल का मतलब एड्रेस स्टोर करने वाला है। इसका मतलब अभी मैंने प्रीवियस केस में बताया, इसका मतलब रायपुर कहीं स्टोर होगा। मान लीजिए इस तरीके से रायपुर किसी मेमोरी में स्टोर होगा, मान लीजिए कहीं एरे में स्टोर है, इसका पहला एड्रेस मान लीजिए 1000 है और ये दूसरा कितना होगा 1001, ये आई जो है 02, ये 03, ये 04, ये 05 और इसका एक नल कैरेक्टर होगा 06, है ना, कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये एड्रेस स्टोर कर रहा है तो सी इज नॉट स्टोर डायरेक्टली द स्ट्रिंग, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का बेस एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पर क्या स्टोर होने वाला है, 1000 स्टोर, करेक्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या स्टोर होने वाला है, 1000 स्टोर, पहला केस। दूसरा केस देखोगे, अब इस पर्टिकुलर में दूसरा मेंबर ये है, अब दूसरा मेंबर अपने आप में ही दो मेंबर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज SS1 is of type struct A, और struct A के दो मेंबर है, दो मेंबर में पहले मेंबर में क्या है, पहले मेंबर में कैरेक्टर एरे अंदर ही डिफाइन, जिसका साइज कितना है, 6 साइज है, मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6, ओके। लास्ट में नल कैरेक्टर स्टोर होगा, और ध्यान से सुनिए, दूसरा क्या हम लोग मेंबर स्टोर करा रहे, कानपुर, तो कानपुर अगर किसी कैरेक्टर एरे में स्टोर कराओगे तो एज इट इज डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा कान। इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर आप तो थर्ड मेंबर देखोगे तो अगेन थर्ड क्या है, एक str है जो कि क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर उसमें आप जयपुर स्टोर कराओगे, इसका मतलब जयपुर कहीं स्टोर होगा और उसका बेस एड्रेस अगर मान लीजिए 2000 है तो लास्ट क्या होगा 2005 और उसका नल कैरेक्टर कितना होगा 2006, मतलब ये एड्रेसिंग बता रहा हूं, ये कितना है 01, ये कितना है 02, 2002 2003 2004 2005, समथिंग लाइक, ओके। तो ध्यान से सुनो, जयपुर का जो बेस एड्रेस है मान लीजिए 2000 और रायपुर का 1000 है, तो यहाँ क्या जाएगा 2000 जाएगा, इतना चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इतना बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान से सुनो क्या क्या प्रिंट होने वाला है, सबसे पहले S2.C, ध्यान से देख लो भाई, S2.C पे मतलब 1000, और 1000 किसका बेस एड्रेस है, किसी स्ट्रिंग का बेस एड्रेस है, वो मैंने अभी बताया, स्ट्रिंग के केस में अगर स्ट्रिंग का बेस एड्रेस मिल जाए तो सबसे वो एज इट इज तुरंत क्या हो जाती है, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो पहली प्रिंट चीज होगी 1000 का मतलब रायपुर प्रिंट होगा, क्या स्क्रीन पर प्रिंट होगा, रायपुर प्रिंट होगा। दूसरा देखो, देखो डबल डॉट ऑपरेटर है, S2.SSL.STR, अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर होता तो डबल डॉट यूज करते हैं, तो S2.SS1.STR, तो S2.SS1.STR मतलब 2000, और 2000 अगेन किसी स्ट्रिंग का एड्रेस है, किस स्ट्रिंग का एड्रेस है, जयपुर का एड्रेस, जयपुर का एड्रेस है, इसका मतलब क्या प्रिंट होने वाला है, दूसरे से जयपुर, करेक्ट। और अगर इसके आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देखो तो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, उसके बाद न्यू लाइन, इसका मतलब हम यहाँ पर दो भी सेकंड आउटपुट आने वाला है, आगे देखोगे। अब ये केस बहुत अच्छा सा है, अगर आप लोग इसे गौर से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि S2.C++, अब ये प्री इंक्रीमेंट है ना, तो पहले ये देखो कि किसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, S2.C को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। तो S2.C क्या, S2.C है 1000, अब 1000 को जब इंक्रीमेंट करोगे तो क्या आएगा रूल के अकॉर्डिंग, 1001, इसका मतलब 1001 ये हो गया, मतलब 1000 को इंक्रीमेंट करके 1001 हुआ, तो अब इस 1001 को ये प्रिंट कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जो आपको एड्रेस मिलता है उसके फॉलोड बाय जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग अब जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो 1000 ऑनवर्ड्स प्रिंट नहीं होगी, वो 1001 ऑनवर्ड्स प्रिंट होगी, तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगा वो आएगा आईपुर, AIPUR, ना कि जयपुर, जे मिस कर दिया, ओके। और अगला केस देखो, S2.SS1.STR, S2.SS1.STR में 2000, और 2000 को इंक्रीमेंट करोगे तो 2001 हो जाएगा, और 2001 का मतलब A से शुरू होगी कहानी, जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो 2001 जो एड्रेस है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ जयपुर है, सेकंड कैरेक्टर ऑफ जयपुर है, तो यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा, ये रिलेटेड है इससे, यहाँ पर भी आईपुर प्रिंट होने वाला है। तो दिस इज योर आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम, तो आप लोगों को होपफुली चीजें समझ में। अच्छा एक बात दो,
अगर मान लीजिए यहाँ 1000 को अगर प्लस प्लस करते हैं, अगर यहाँ सारे एलिमेंट जो हैं वो कैरेक्टर के होते हैं एरे में, तो दो इंक्रीज होते हैं 1002, क्योंकि हम लोग इंटीजर का साइड टू बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर यहाँ सारे एलिमेंट फ्लोट टाइप के होते हैं तो 1004 होता प्लस प्लस का साइड। सो दिस इज द बेस, दीज आर सम बेसिक थ्री प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ और एडवांस प्रोग्राम्स कराने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो होप यू विल understand all the idea related to the structures. Okay, thank you for today.